हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं ये ब्लॉग दोपहर में बना रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अपने गांव का शिव मंदिर। एक छोटा सा मंदिर है मेरे गांव में जो कि शिव मंदिर है। मेरे गांव में एकमात्र शिव मंदिर है और मैं आपको उसके दर्शन करवाऊंगा। और दर्शकों को पहले मैं बता दूं कि मेरी जो वीडियो की टाइमिंग है वो चेंज हो गई है। वो सुबह एक दिन बाद वीडियो जाएगी, सुबह में 6:30 बजे। आज की वीडियो अगले दिन जाएगी, तो दोस्तों इस टाइम को नोट कर लीजिएगा और मैं आपको ब्लॉग स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों, ये मेरे गांव का शिव मंदिर है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लोहे का गेट लगा हुआ है और ये मंदिर बहुत छोटा है, लेकिन भक्तों की उम्मीद आस्था बहुत बड़ी है। और जब भी शिव भगवान को लोग याद करते हैं तो यहाँ आते हैं और देख रहे हैं कि अभी भगवान शिव जी का जो है पूजा अर्चना कुछ लोग करके गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अंदरूनी प्रांगण दिखा दूं पहले। तो दोस्तों, यहाँ पर सुबह सुबह कुछ भक्तगण यहाँ पूजा अर्चना कर करके गए हैं। देख रहे हैं कि चंदन घिसा हुआ है और ये देखिए उनके बैल, नंदी बैल की जो है ये प्रतिमा रखी हुई है और उन्हें एक कपड़े से ढका हुआ है ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। और देखिए शायद पार्वती जी की प्रतिमा है और ये देखिए ये ब्रह्मा जी के प्रतिमा है शायद। और यहाँ देखिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है और कुछ भक्तों के यहाँ एक्स्ट्रा जो शिवलिंग होते हैं जो बेवजह इधर उधर रखने से अच्छा है कि इस मंदिर में ला करके लोग रख देते हैं, तो उनकी भी पूजा होती है यहाँ। तो दोस्तों, इस शिवलिंग पर सावन महीने में या महाशिवरात्रि के दिन काफ़ी श्रद्धा से लोग भक्त आते हैं और जल अर्पण करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये शिवलिंग है, हमारे गांव का एकमात्र शिव मंदिर है। चलिए अब बाहरी प्रांगण हम आपको दिखाते हैं। देखिए झाड़ू रखा हुआ है यहाँ पर बहाने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए। तो ऊपर में एक घंटा लगा हुआ है, चलिए हम भी अपने तरफ से घंटे को बजा दिए। दोस्तों, ये हमारे शिव जी का 19 अवतारों में से एक अवतार भगवान श्री हनुमान जी हैं। ये शिव के 19 अवतारों में से एक अवतार माने जाते हैं श्री हनुमान जी, जो कि राम जी सीता माँ के सेवक हैं। और ये मंदिर काफ़ी पुराना है, ये मंदिर करीब 1983 में बना था और आपको मैं बाहरी आवरण दिखाता हूँ। और ये दोस्तों देखिए शिव मंदिर के बाहर मेरी तुलसी मैया का भी स्थान है। और इस प्रांगण में आप देख रहे हैं कि अड़हुल का पेड़ लगा हुआ है। मैं इस अड़हुल के पेड़ से जो है कि
फूल तोड़ करके ले जा करके अपने घर में भी पूजा करता हूँ। और इसका बाहरी आवरण देखिए, वो अड़हुल का पेड़ भी काफ़ी अच्छा है। मैं वहाँ से फूल तोड़ करके अपने घर में पूजा करने के लिए ले जाता हूँ जब मुझे फूल की आवश्यकता पड़ती है, घर जाती है। और देखिए ये बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोस्तों बाहरी आंगन जो है वो करीब 6 फीट जो है चौड़ा है। शाम को लोग यहाँ आकर के, बड़े बुजुर्ग लोग आकर के बैठते भी हैं और शिव चर्चा होती है तो यहाँ लोग आकर के, महिला लोग शिव चर्चा भी करते हैं। तो आप लोग बताइए कि यह ब्लॉग कैसा लगा, मेरे गांव के शिव मंदिर का यह ब्लॉग है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो ओम नमः शिवाय दोस्तों। हाय दोस्तों।